गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। एक वो एजुकेशन होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले एलिमेंट हैं, सबसे ज़्यादा आपको देखा जाता है, और आप ही के क्लिप को अलग अलग बना के लोग वायरल करते हैं। तो एक वो पढ़ाई है जो इंस्टाग्राम या ट्विटर या फिर कहा जाए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, तो उस पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? उस पढ़ाई पे तो भैया बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग, एक्चुअली इस देश में मानविकी ह्यूमैनिटीज कभी कायदे से पढ़ाई नहीं गई। हाँ, 1990 माह के दशक में जब हम बड़ा होते रहे तब आधा लोग डॉक्टर बनत रहे, आधा इंजीनियर बनत रहे। भाई मास्टर स्कूल में कहा रहे इतिहास पढ़ के नौकरी मिला थी। हाँ, लोगन का ही थोड़ा पता रहा कि इतिहास पढ़ के लोग राजा बनत है। तो जे जो ने देश में 90% लोग इतिहास पढ़वे नहीं गई। हाँ, उनका आप कुछ समझाए दो। हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी जो है कुछ समझावे के लिए ओका मसाला मिली, अब ओका बहुत तगड़ा अच्छा मसाला मिली। नहीं, आप अपनी ही वीडियो जब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देखते हैं और अलग तरीके से जब पेश किया जाता है उसको कैसा आपको लगता है तब? नहीं, ये तो सोशल मीडिया के बाली हैं, जैसे बाली कोई के आधी शक्ति छीन के ताकत बढ़ाए लेते रहा। हाँ, तो अब जे कहे सोशल मीडिया पे भाई बहुत लोगों को व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसमें जो सबसे बड़े नाम चल रहे हैं उन पर आप अटैक करिए तो आपके सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ जाएंगे। वही हमारे साथ भी होता है। आप ही के क्लिप को काट काट के दिखाया जाता है? हमारे क्लिप को काट काट के दिखाया जाता है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और एनसीईआरटी पे आप मुगल को कुछ बोल रहे थे, मुगल इतिहास को पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो उसको कह दिया कि देखिए अवध सर ये पढ़ा रहे और उसको सरकार अब सिलेबस से हटा रही है। नहीं, सरकार भैया ऐसा है ना, जो भी ये भैया ऐसा है ब्रजेश भैया, जब भी कोई अब चाइना में तो कम्युनिस्ट इतिहास ही पढ़ाया जाएगा ना। जो सरकार सत्ता में आती है वो चाहती है कि उसके दर्शन को बढ़ावा मिले। अगर कल भारत एक कम्युनिस्ट राज्य राष्ट्र हो जाए तो सारी लेफ्ट विंग की हिस्ट्री आ जाएगी। ये तो सरकारें बच्चों के सॉफ्टवेयर को तैयार करती हैं अपने दर्शन को मजबूत करने के लिए। ये पूरी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। मतलब शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है अपना एक बहुत बड़ा तबका तैयार करने का। तो सिलेबस चेंज करने का मतलब ये होता है कि अब देश में नया दर्शन चलेगा, वही आपको पढ़ना पड़ेगा, वही मानसिकता लेकर आपको बड़ा होना पड़ेगा। सर, इसी सिलेबस में नाथूराम गोडसे का भी जो पैटर्न चेंज हुआ है, उनका ब्राह्मण शब्द हटाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ब्राह्मण शब्द पे तो भाई अब जैसे हमारे संघ के अध्यक्ष जी है, क्या नाम है, भागवत मोहन भागवत जी है। हाँ, तो उन्होंने एक बार कह ही दिया था कि भाई पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई और ऐसा किया वैसा किया। हाँ, और जबकि जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मैंने इतिहास में पढ़ा, जिसको मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ कि जाति व्यवस्था तो जजमानी व्यवस्था की देन है और सामंतवादी व्यवस्था की देन है। जाति व्यवस्था व्यवस्थाएं कोई बनाता थोड़ी है। अब पश्चिम में यूरोप में वहां भी तो सामंतवाद था। फ्रांस की क्रांति किसके खिलाफ हुई? सामंतों के खिलाफ ही तो हुई। तो आज वहां का आदमी ये थोड़ी कहता है कि हमको पोप और पादरी ने परेशान किया। अब ब्राह्मण शब्द के हटाए जाने के पीछे उनके जो भी मंशा हो वो तो खैर जब अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, सरकार अपनी एक्सप्लेनेशन जब कोई चीज करती है तो उस पर अपना एक्सप्लेनेशन देती है। लेकिन ब्राह्मण शब्द हटाया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार की अपनी मंशा होगी, जो भी हो उस पर कुछ मैं कह नहीं सकता। ठीक, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, अवध सर आपको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं हमारे मंच पे, उनको अगर कोई मैसेज आप देना चाहें तो क्या देंगे? तैयारी करने वालों को सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप चार चीजों का विकास करें। ये पढ़ाई और तैयारी दो बिल्कुल अलग अलग शब्द है। तैयारी का मतलब है युद्ध, और युद्ध की तैयारी स्टूडेंट, जैसे आप कॉलेज में हैं वहां फेयरवेल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बैठकी कर रहे हैं, पता नहीं डीयू में मैं एक शब्द सुनता था कि चिल होने जा रहे हैं, तो अब वो चिल आप यहां नहीं हो सकते। तो ये तैयारी का मतलब समझदारी का विकास, तैयारी का मतलब साहस, तैयारी का मतलब उत्साह, और तैयारी का मतलब कि आप निरंतर मोटिवेटेड हैं अपने उद्देश्य को लेकर। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल।